हेलो फ्रेंड, द किलबिल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने एक नया मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइट टाइगर है ये एक प्राइज विनिंग नॉवेल पे आधारित है। नाम भी वो बुक का सेम ही था, द व्हाइट टाइगर, जिसको अरविंद अडिगा ने लिखा था। बहुत ही मैसिव हिट हुई थी ये बुक, बहुत चली थी, ये अवार्ड भी बहुत सारी पाई थी। तो दोस्तों, जो इनके डायरेक्टर है रामिन बहरानी, ये एक्चुअली बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं अरविंद अडिगा के। तो उनको ये स्क्रिप्ट उन्होंने अपने हिसाब से फिर से लिखी है, ऑब्वियसली उनके परमिशन से। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि ये जब स्क्रिप्ट और जो कंटेंट होगी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि नॉर्मली जब बुक से लिया जाता है दोस्तों, ये तो मान के हम चलते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेलर की बात करेंगे तो ट्रेलर में खास बात दोस्तों ये है कि बहुत महीनों बाद हमको प्रियंका चोपड़ा फिर से कोई एक इंडियन मूवी में दिख रही है। हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा भी इस मूवी में है। प्रियंका चोपड़ा के अलावा हम राजकुमार और एक बहुत ही यंग कलाकार लेकिन वेरी टैलेंटेड आदर्श गौरव को भी इस मूवी में एक मेन प्रोटैगनिस्ट के रोल में देख सकते हैं। ये ट्रेलर जब हम देखते हैं दोस्तों, हमें ऐसा लगता है एक यंग बंदा है जो एक पुअर फैमिली का है, विलेज से आया हुआ है, नया जगह पे, नया बहुत बड़े शहर में, जहाँ पे उसको डील करना पड़ता है बड़े बड़े आदमी लोग से। इसका जो ओनर है अशोक, जो राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। लाइक ये जो आदर्श आया हुआ है गांव से, जिसका नाम है बलराम हलवाई, एक्चुअली ये कैसे गांव का आदमी दिल्ली गुड़गांव जैसा बड़ा जगह देख रहा है, ग्लोबलाइजेशन छाया हुआ है, तो उसको वो अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है। गांव का एक गरीब बच्चा गया है दिल्ली, सोशल कास्ट क्रीड में हमेशा लोअर ही रहने वाला आदमी एक ऊपर गया है, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन देख रहा है, बड़े आदमी के अंडर काम कर रहा है, वहाँ पे सर्वेंट है उनका, वो लग्जरियस गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है। तो और धीरे धीरे हमको ऐसा देख के लगता है दोस्तों कि उसके मन में बहुत ही ये रेस्पेक्ट और एक अच्छा भावना है उनके ओनर के प्रति। लेकिन कुछ कुछ सीन में फिर हमको ऐसा देखने लगता है कि स्लोली कुछ डायनामिक्स चेंज होते हैं। कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन प्रियंका चोपड़ा और आदर्श के बीच में, जो पिंकी और बलराम के बीच में, ऐसा लगता है कि पिंकी उसको कुछ समझा रही है ऐसा। तो वो सीन सब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी दोस्तों, और बहुत क्यूरियस भी हमको कर देती कि एक्चुअली वाकई मूवी में एक्चुअली क्या है। जो हम जो ट्रेलर में देख रहे हैं कि जो अशोक का कैरेक्टर है एक बिजनेसमैन है, अच्छा आदमी दिख रहा है, शायद उसका कुछ पास्ट हिस्ट्री या डार्क हिस्ट्री है जो स्लोली स्लोली बाहर आता है, या तो ये जो ड्राइवर है आदर्श गौरव जो प्ले कर रहा है बलराम हलवाई का, शायद उसको मालूम चलता है, और उसके मन में भी शायद ऐसा लग रहा है दोस्तों देखिए कि वो बाहर आना चाहता है, जो भी सोशल कास्ट क्रीड से दबा हुआ इंसान है बाहर आना चाहता है, ऊपर आना चाहता है, खुद ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद ही बिजनेस खोलना चाहता है, ऐसा फील हो रहा है देख के। और क्योंकि कुछ कुछ सीन में ऐसा लास्ट में लगता है दोस्तों कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, और उससे पहले का सीन में आप देखिए दोस्तों, एक मैंने सहमा वो आदमी नया नया जो जगह देख रहा है, अभी भी अचंबा में है, सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है देख के जो भी चल रहा है लाइफ में। एक सीन देखिए दोस्तों, वो जब बाथरूम क्लीन कर रहा होता है, उसमें जो रूम फ्रेशनर होता है, बाथरूम क्लीन फ्रेशनर होते हैं, उसको वो डीओ जैसा यूज कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको क्या कितना मालूम है, उसको क्या चल रहा है दुनिया में। तो दोस्तों, लेकिन वो आदमी को दिख भी रहा है कि वो ऊपर आना चाहता है। ऐसे ही रिसेंटली नेटफ्लिक्स का एक हमें इसी टाइप का मूवी हमको भी देखने मिला, सीरियस मैन, जहाँ पे नवाजुद्दीन का कैरेक्टर, उसका फैमिली चाहता है, जो भी सोशल कास्ट क्रीड में बरसों से उनका जो फैमिली दबा हुआ है वो जनरेशन बाहर आना चाहता है। ये भी कहानी वैसी है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जो बलराम हलवाई का कैरेक्टर वो बोलता भी है कि वो एक अलग इंसान है, उसके फैमिली में फैमिली अभी भी वैसी पुअरी है, सोई हुई है, ऊपर आना नहीं चाहती है। इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ये व्हाइट टाइगर का बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही रेयर है व्हाइट टाइगर। उसकी खासियत दोस्तों ये भी है कि बहुत सारे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में उसको एक फ्रीडम के रूप में देखा जाता है, इंडिविजुअल के रूप में देखा जाता है, एक प्रोग्रेसिव वे में देखा जाता है, एक यूनिक व्यू देखा जाता है।
तो बहुत ही मायने रखता है दोस्तों कि अगर ये मूवी का नाम अ वाइट टाइगर है तो ये जो बलराम हलवाई का कैरेक्टर भी है उससे हमको रिलेट करना पड़ेगा कि उसका फैमिली बहुत पुअर है, निचली जाति का है, हमेशा समाज उसको दबाया है, उनके फैमिली को गरीबी रहे हैं, बट ये जो आदमी है ये ऊपर आना चाहता है, बाई हुक बाई क्रूक कुछ तो करके ऊपर आना चाहता है। अभी ग्लोबलाइजेशन देख रहा है, अचंभा है, बट वो चाहता है उसमें अडेप्ट करे सिचुएशन को, कैसे वो ऊपर आएगा, मुझे लगता है वैसी कुछ कहानी है। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी दोस्तों कि ये जो ट्रायंगल है उनके बीच में डायनामिक्स क्या है। अशोक जो राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं बहुत ही मुझे अच्छे लगे, उनका मैंने हिंदी ट्रेलर भी देखा और इंग्लिश ट्रेलर भी देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए इंग्लिश जब वो बात कर रहे थे। प्रियंका चोपड़ा दोस्तों बहुत ही उनको अच्छा लगा हम देख के ट्रेलर में, जब वो इंग्लिश बोल रही थी दोस्तों आपको लगेगा कि ये जो कैरेक्टर है शायद कोई अमेरिका या फॉरेन कंट्री से ही आई है और यहाँ पे अभी भी एडजस्ट होने ट्राई कर रही है। और वो आदर्श का कैरेक्टर दोस्तों बहुत ही टैलेंटेड बंदा है ये आदर्श गौरव, उसका मैंने पहला एक जो देखा था वो हॉस्टल डेज देखा था यूट्यूब में, बहुत ही मजा आया था उसमें उस देख के, जब मैंने वो देखा था तभी मुझे लगता था दोस्तों कि ये बंदे में टैलेंट है, ये जरूर ऊपर आएगा, इसको जरूर कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ उसको इस मूवी में देखे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं दोस्तों, लाइक एक तरह से एक्टर्स भी हैं स्टार्स भी। अगर हम राजकुमार राव को आप एक मंझे हुए एक्टर समझते हैं तो उनके साथ प्रियंका चोपड़ा जैसे एक अब स्टार भी है, जो ग्लोबल स्टार है एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो उसके साथ आप काम करना, कॉन्फिडेंटली काम करना, एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करना बहुत बड़ी बात है आदर्श गौरव के लिए। मैं आशा करता हूँ ये उनको बहुत ढेर सारी सक्सेस लेके आए उनके लाइफ में। और नेपोटिज्म का भी देखिए दोस्तों, ये बंदा कहीं भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है मैं जितना जानता हूँ बॉलीवुड से या कोई भी ये फिल्म इंडस्ट्री से, तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे बंदे को। तो मैं तो बहुत ही होप करता हूँ ये मूवी चले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर देखे दोस्तों, और बहुत क्यूरियस हूँ एक्चुअली इनका बीच में क्या होने वाला है, राजकुमार राव और ये जो ड्राइवर का बीच में क्या सीन होगा, जो फिर जो ड्राइवर बलराम हलवाई है पिंकी के साथ उसका क्या हुआ, वो क्या हमेशा दबा ही रहेगा ये इंसान, ये कभी ऊपर आएगा नहीं आएगा, ऊपर आएगा तो उसका सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे वो मैनेज करेगा, एक गांव का बंदा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में अपने को कैसे अडेप्ट करता है नहीं करता है, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो मुझे तो बहुत मजे आए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो जरूर बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा दोस्तों। और एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि नेटफ्लिक्स को फिर से मुझे मानना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट कंटेंट चूज कर रही है अपने हमारे दर्शकों के लिए। और तो दोस्तों मैं ये बता दूं, ये January 22 को नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी, हम आशा करते हैं ये मूवी जरूर चले। ऑल द बेस्ट आदर्श राजकुमार राव एंड सबकी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा, ऑल द बेस्ट। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।